हेलो बच्चों हाय एवरीवन आई एम समृद्धि शर्मा एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का वेरी मच अवेटेड चैप्टर दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो so, दी चैप्टर काफी लेंथी है बट आई Assure you काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं काफी सारी नई चीजें जानने के लिए मिलेंगी बेटा ये पूरा चैप्टर डील करता है कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड अराउंड अस राइट स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से आज का लेक्चर सो so, आज के लेक्चर में किस चीज पे फोकस करने वाले हैं सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ना तो डाइवर्सिटी का मतलब पता होना चाहिए और फिर बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी पता होना चाहिए उसके बाद समझेंगे बेटा कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्यों हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना जरूरी है देन समझेंगे कि अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका बेसिस क्या है मैंने किस बेसिस पे इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है एंड एट द एंड वी विल अंडरस्टैंड हैर की क्या है अलग अलग ग्रुप्स क्या होते हैं स्पीशीज, फैमिली जीनस किंगडम इन सब ग्रुप्स के बारे में समझेंगे बेटा सो so स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द बेसिक टर्म कॉल बायो राइट देखो बेटा जब मैं बोलती हूँ डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब है बेटा वेराइटी राइट वेराइटी राइट right? एंड जब मैं बोलती हूं बायो डू यू नो बायो का क्या मतलब होता है बायो का मतलब होता है लिविंग राइट right? तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बेटा द वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स फाउंड ए ना पर्टिकुलर एरिया बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है बेटा किसी भी लिविंग फॉर्म की वेराइटी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिल रही है बेटा उसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी इस चीज को बेटा ऐसे समझो आप अपने घर पे हो जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ राइट आपके अराउंड दो चीजें हैं बायोटिक एंड ए बायोटिक ए बायोटिक में एयर आ गया वाटर आ गया सॉइल आ गया सनलाइट आ गई बट जब मैं बात करती हूँ बायोटिक कॉम्पोनेंट की लिविंग फॉर्म्स की तो आपके चारों तरफ कितने तरीके की लिविंग फॉर्म्स हैं आप कहोगे मैम हमारे चारों तरफ कुछ प्लांट्स हैं कुछ एनिमल्स हैं कुछ बैक्टीरिया हैं आजकल कोविड चल रहा है तो वायरस है ठीक है बेटा तो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हमारे अराउंड है बट वॉट आफ्टर दिस अगर मैं बोलू बात करूं प्लांट्स की तो मैं क्या सारे प्लांट्स को एक एक ग्रुप में रख सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल मे बी मेरे घर के बाहर एक मैंगो ट्री हो सकता है सनफ्लावर का प्लांट हो सकता है नीम ट्री हो सकता है कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसपे फ्रूट आता है कोई ऐसा प्लांट हो सकता है जिसपे फ्रूट नहीं आता किसी पे फ्लावर आते हैं किसी पे फ्लावर नहीं आते कुछ प्लांट्स का साइज बहुत छोटा है कुछ प्लांट्स का साइज बहुत बड़ा है राइट right? मतलब सब प्लांट्स है बट उसमें भी क्या है है मेरे पास अलग अलग है। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की तो एनिमल एक डॉग मेरे घर के बाहर मुझे मिल मिल जाएगा एक कैट मिल जाएगी एनिमल्स की अगर मैं बात करूं लिजर्ड कॉकरोच राइट right? ये कुछ मस्किटोस फ्लाइज ये भी तो एनिमल्स हैं तो इनमें भी क्या एनिमल्स में भी अलग अलग तरीके की वेराइटी है जो मुझे अपना अराउंड मिलेंगी राइट तो किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या वेराइटी है अलग अलग लिविंग फॉर्म्स की वो क्या हो जाती है बेटा बायो अब हर एरिया की बायो डाय। डाय। वेरी करती है क्यों वैरी करती है क्योंकि बेटा हर जगह का टेम्परेचर और वहां की वॉटर की अवेबिलिटी वहां पे सनलाइट की अवेबिलिटी वहां की सोयल का पीएच सॉइल की अवेबिलिटी क्या करती है वेरी करती है अब हमने पढ़ा है जोग्राफी में कि हर तरीके की क्रॉप हर सीजन में या हर सॉइल में ग्रो नहीं कर सकती है ना तो इस वजह से क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन है और दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी क्या करती है वेरी करती है बट वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि हमारे पूरे अर्थ पे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं अलग अलग प्लांट्स हैं अलग अलग एनिमल्स हैं अलग अलग बैक्टीरिया हैं अलग अलग फनजाए हैं अलग अलग एल्गी है हम इनको नहीं भूल सकते सिर्फ प्लांट एनिमल्स नहीं है अर्थ पे इनके अलावा भी हमें क्या मिलता है बैक्टीरिया और ये भी क्या है है लिविंग फॉर्म्स राइट डू यू नो हमारे अर्थ पे देर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज राइट अगर मुझे इन मिलियंस ऑफ स्पीशीज को अगर मुझे इन मिलियंस ऑफ स्पीशीज को पढ़ना है तो मैं रैंडमली किसी भी स्पीशीज को उठा के ऐसे स्टडी नहीं कर सकती इन स्टेट में क्या करूंगी मैं उनको क्लासीफाई कर लूंगी है ना मैं उनको क्लासीफाई कर लूंगी एंड जब मैं उनको क्लासीफाई करूंगी तो मेरे लिए उनको पढ़ना उनको समझना बहुत हो जाएगा राइट और जब हम एज अ बायोलॉजिस्ट ये करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच है जैसे हमारे पास साइंस के लग -लग physics, bio, अलग अलग ब्रांचेज हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो है ना तीनों ब्रांचेस अलग अलग चीजों के साथ डील करती हैं वैसे ही बेटा बायोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं अगर आप जींस के बारे में पढ़ रहे हो तो जेनेटिक्स अगर आप मोलिकुलर लेवल की बात कर रहे हो तो मोलिकुलर बायोलॉजी राइट अगर आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो तो टैक्सोनॉमी राइट right? तो टैक्सोनॉमी है क्या टैक्सोनॉमी सो सो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ नाउ टैक्सोनॉमी तीन चीजों के साथ डील करती है आइडेंटिफिकेशन नॉमिन एंड क्लासिफिकेशन राइट सो लेट से आप इसे रोड पे जा रहे हो और आपको एक प्लांट दिखा आपको नहीं पता कि ये कौन सा प्लांट है राइट right? आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे सबसे पहली बात तो आपने आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये प्लांट है आपको कैसे पता चला ये प्लांट है कुछ एक प्रॉपर करेक्टरिस्टिक आपने दिमाग में, में बिठाए होंगे ना ये प्लांट ऐसा होता है प्लांट में स्टेम होती है प्लांट में लीव्स होती है प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं तो कुछ ना कुछ करेक्टर्स आपके दिमाग में फिट है जिनसे आप क्या करते हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो राइट आप कैसे बता देते हो कि ये लायन है ये टाइगर है ये लिपड है ये टाइगर है राइट क्योंकि क्या है उनकी मे बी शेप उनकी सेम है बट उनके कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है राइट तो टैक्सोनॉमी क्या बेसिकली क्या करती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है राइट अब आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नामकरण जिसको हम बोलते हैं नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर का मतलब right? अब मैंने उनको उसको नाम दे दिया है अब मैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक नो uh, no, नीम का प्लांट देखा है तो मैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखूं मैं उसको हर्ब में रखू शब में रखू ट्री में रखू राइट right? अगर मैंने एक कैट या डॉग देखा है तो मैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखू राइट right? मैं उसको ऐसे ऑर्गेनिज्म में रखूं Uh, जिनके पास बैकबोन होती है ऐसे मेरे खुद उनके पास नहीं होती राइट तो मुझे क्या करना पड़ेगा उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा मुझे उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना पड़ेगा फाइन तो uh, टैक्सोनॉमी क्या है बेटा एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनका नॉमिन करते हैं और उनको क्लासिफिकेशन करते हैं राइट एंड हमारे पास एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जिनको हम बोलते हैं कैरलिस जो कि कह जाने जाते हैं बेटा एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही काम किया है टैक्सोनॉमी की फील्ड में इन्होंने बाइनोमियल नॉमन दिया है जो हम हम लेक्चर में आगे जानने वाले हैं एंड उसके बाद इन्होंने इन्होंने क्लासिफिकेशन भी दिया है

और मैं आपको बोलूं कि आपको इन टॉयज को अलग अलग ग्रुप्स में क्या करना है क्लासिफाई करना है राइट राइट एंड मैंने कोई भी मतलब क्राइटेरिया नहीं दिया है राइट? तो अब आप मुझसे पूछो कि मैम कैसे क्लासिफाई करें या तो हम इनको शेप्स के बेसिस क्लासिफाई कर देंगे राइट हम क्या कर सकते हैं हम इनको शेप्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं मतलब जो भी चीज यू नो क्यूब शेप की होगी उसको अलग कर देंगे जो सिलेंड्रिकल होगी उसको अलग कर देंगे ठीक है अब ऐसा हो सकता है कि कोई इसको कलर के बेसिस पे बेसिसफाई कर दे हो सकता है कोई कहेगा मैम हमने रेड वाले टॉयस को एक जगह कर दिया ग्रीन वाले को एक जगह कर दिया येलो वाले टॉयस को एक जगह और ब्लू वाले टॉयस को एक जगह राइट तो शेप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है कलर के बेसिस पे हो सकता है अब कोई कहे कि नहीं मैम हम तो इसको वेट के बेसिस पे करेंगे तो वो भी सही है अब कोई कहे जो हंड्रेड ग्राम से छोटा है हंड्रेड ग्राम से कम जिसका वेट है उसको मैंने एक ग्रुप में रख दिया जिसका हंड्रेड ग्राम से ज्यादा से लेके टू हंड्रेड ग्राम है उसको एक ग्रुप में रख दिया तो वेट के बेसिस पे भी हो सकता है राइट right? तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं अलग 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 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या कर सकते हैं बेटा क्लासिफाई कर सकते हैं राइट right? अब क्लासिफिकेशन एक्चुअली में क्या है अगर मैं इसको इन दी फॉर्म ऑफ अगर मैं इनको रेफरेंस में बात करूं इन द रेफरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वैसे ही बेटा इस बात को समझो कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम है राइट अर्थ फॉर्म भी एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है दोनों एनिमल है क्या मैं दोनों को एक ग्रुप में रख सकती हूँ नहीं बटरफ्लाय फिश लिजर्ड बर्ड्स अज अजराफ राइट एंड अ वेरी स्मॉल फ्लाई हाउस फ्लाय बटरफ्लाई सब एनिमल्स हैं बट इनमें क्या सिमिलैरिटी है सब एनिमल्स हैं बट इनको भी मैं और फर्दर फर्दर अलग अलग, अलग ग्रुप में प्लेस कर सकती हूँ है ना क्योंकि उनमें कुछ सिमिलैरिटी है कुछ डिसिमिलैरिटी है तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग, अलग ग्रुप में प्लेस करना क्या है क्लासिफिकेशन एक छोटी सी एक छोटा एग्जा, सा एग्जाम्पल देती हूँ बेटा अब जब भी मैं बोलती हूँ रेप्टाइल्स तो आप समझ जाते हो ना कि हम लिजर्ट की बात कर रहे हैं हम स्नेक्स की बात कर रहे हैं ना मैं बोलती हूँ मैमल्स तो आपको याद आता है ह्यूमन बींग्स वेल्स फिश बोलती हूँ तो आप हमारे दिमाग में एक ऑलरेडी एक पिक्चर फिट हुई हुई है कि फिश ग्रुप ये है रेप्टाइल ग्रुप ये है मैमल ग्रुप ये है है ना तो वैसे ही हमने प्लांट्स को एनिमल्स को इवन बैक्टीरिया को फंजाई को एल्गी को अलग, अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया है राइट एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है बेटा सिमिलैरिटीज तो तो के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे और डिफरेंसेस के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे ठीक है बेटा चलो अब हम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं हमें क्या फायदा होगा क्लासिफिकेशन करके अब देखो बेटा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजियर टू स्टडी देम है ना इट बिकम्स वेरी इजियर टू स्टडी देम अब मेरे पास एक यू तो नो कोई सॉर्टेड चीज है उनको एनालाइज करना उनको पढ़ना उनको समझना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा है ना इंस्टेंट मैं पहले हर चीज को देखूं एनालाइज करूं समझूं बट अगर मुझे पहले से एक ग्रुप मिल गया है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ उनको ईजिली स्टडी कर सकती हूँ तो क्लासिफिकेशन से हमारा जो स्टडीज होती है बेटा वो ईजी हो जाती ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू इच अदर राइट जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये समझने लगते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म इससे रिलेटेड है जैसे कि आपने सुना होगा बचपन से ये चीज कि कहा जाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ही मिलते जुलते हैं चिमपैनजी से एंड ये बात सच भी है क्यों कैसे कहा आपने क्योंकि तो हमने देखा हमने समझा हमने स्टडीज करी तो पता चला कि जैसा बोन स्ट्रक्चर हमारा है कहीं ना कहीं मिलता जुलता बोन स्ट्रक्चर उनका भी है कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे जो है वो उनके अंदर भी है तो ये जो दो स्पीशीज है ना चिमपैनजी अलग अलग स्पीशीज है बट दोनों क्या है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं राइट और ये हमें कैसे पता चला क्योंकि हमने उनकी दोनों दोनों ऑर्गेनिज्म की स्टडीज करी राइट एंड जब हम स्टडी करते हैं हमें अगर मुझे बीस ऑर्गेनिज्म के करेक्टरसिक्स पता, पता है तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि मैं उन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज फाइंड आउट कर पाऊ ठीक है बेटा तो हमें बहुत ईजी हो जाता है कि दो ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड है ये जानना उसके अलावा बेटा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये समझ पाते हैं कि कैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हुआ है राइट कैसे धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ कैसे उसमें धीरे धीरे चेंजेस आए इवोल्यूशन का मतलब क्या है चलो बेटा ये भी देख लेते हैं इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस राइट इवोल्यूशन क्या है एक प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल ना धीरे धीरे चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में ठीक है और ये नहीं कि आज रात को हम सोई और कल हम इवॉल्व हो जाएंगे इट्स नॉट लाइक तक चलती है धीरे धीरे वो चेंजेस आते रहते हैं हम और बेटर होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं राइट सो so, ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड इसमें क्या होता है बेटा ऑर्गेनिज्म स्लोली चेंज हो जाता है ठीक है चेंज हो जाते हैं राइट राइट ये कुछ इस टाइप के पिक्चर्स हमने एडवर्टीजमेंट में यू नो मूवीज में बुक्स में कहीं ना कहीं देखी होंगी राइट क्या ये बात सच है यस बेटा अब देखो बेटा जैसे अभी हम हैं हम आसमान से ऐसे कैसे नहीं टपके थे है ना हम ऐसे प्रकट नहीं हुए अर्थ पे आज जो हम दिखते हैं या आज जो बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स एनिमल जैसे दिखते हैं मे बी वो यू नो चार पांच दस लाख साल पहले वो ऐसे नहीं थे हम ऐसे नहीं थे हम कुछ और थे राइट हम धीरे 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 बेटर 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 चेंज होते गए ग्रेजुअली चेंजेस होते गए एंड ये चेंजेस जो हुए बेटा हम क्या बन गए होमोसेपियंस राइट एंड ये प्रोसेस जो हुई है धीरे धीरे इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोल्यूशन राइट तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कैसे कोई धीरे धीरे कोई यू नो स्पीशीज इवॉल्व की होगी अब देखो बेटा हम भी कुछ ऐसे ही थे देखो इस स्टेट में आप देखोगे तो हम काफी ज्यादा किस जैसे दिख रहे हैं चिमपैनजीज जैसे है ना और ये बात सच है आई न वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं यू नो दो पेयर्स की बात करूं एक मेरे पास चिमपैजी है एक मेरे पास गोरिला है राइट सेकेंड एक मेरे पास ह्यूमन है एक मेरे पास चिमपैनजी है ज्यादा से ज्यादा किसमेंटी मिलती है वो ज्यादा है चिमपैस गोरिला इतने similar, इतने यू you नो know, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है जितना चिमपैनजी और ह्यूमन बींग्स है अगर मैं हम चिंपैनजीज का और ह्यूमन का डीएनए निकाल के देखूंगी उनके जींस देखूंगी तो बहुत सिमिलर है राइट right? तो कभी ना कभी कहा जाता है कि कभी लाखों साल पहले हम कुछ सिमटेंजीज जैसे थे एंड धीरे धीरे उसमें से कुछ नए चेंजेस उनमें आते गए वो बेटर होते गए वो चेंजेस की वजह से वो धीरे धीरे और बेटर अडेप्ट होते गए एनवायरमेंट में होते गए होते गए आई गिव एन एग्जाम्पल राइट हमारी फिंगर्स अभी कुछ ऐसे अलग हो जाती हैं बट अगर मैं बहुत लाखों साल पहले की बात करूं तो हमारी फिंगर्स ऐसे ज्वाइंटेड थी लाइक दिस राइट

चार्ल्स डॉर्विन एंड इसलिए चार्ल्स डॉर्विन को हम बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन राइट सो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दिया था अपनी एक बहुत ही बहुत ही फेमस बुक नोन एज द ओरिजन ऑफ स्पीशीज राइट 1859 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसको हम द ओरिजन ऑफ स्पीशीज के नाम से जानते हैं अ वेरी एक्सीलेंट बुक जिन्होंने जिन्होंने इस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कैसे एक जगह की इन्वायरमेंटल कंडीशन एक ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे चेंजेस लाती हैं एंड कैसे वो चेंजेस आगे जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं एंड कैसे वो uh, चेंजेस जब आगे यू you नो know, इनहेरिट होते हैं तो कैसे नई नई स्पीशीज बनती हैं एंड ऐसा भी हो सकता है एंड ऐसा हो रहा है कि हमारी बॉडी में अभी भी चेंजेस हो रहे हैं मे बी आफ्टर लेट से दस हजार साल बाद यू नो पंद्रह हजार साल बाद पचास हजार साल बाद हम हमारे अंदर कोई नया करेक्टर आ जाए हमारे अंदर कोई नई पावर आ जाए सो इट्स टोटली पॉसिबल एंड किस वजह से बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन राइट सो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेटा इवोल्यूशन को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है बट अब ये समझना पड़ेगा कि हम किस बेसिस पे क्लासीफिकेशन करें मैं किस बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करू है ना तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी बेटा एरिस्टोटल ने एरिस्टोटल वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं उन्होंने कहा कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं प्लांट एंड एनिमल्स बट देन लोगों ने कहा कि एनिमल्स तो बहुत तरीके के होते हैं प्लांट्स भी बहुत तरीके के होते हैं मैं उन सबको एक ग्रुप में तो नहीं रख सकता है ना जैसे अब एलिफेंट भी एनिमल है और एक छोटा सा स्नेक और रैट भी एनिमल है बट मैं दोनों को सेम ग्रुप में तो नहीं रख सकती क्योंकि दोनों में बहुत सारी हैं, right? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्या करते हैं प्लांट्स को हम तीन ग्रुप्स में और डिवाइड कर देते हैं हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज राइट right? तो हमें पता है हर्ब्स वो होते हैं जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है श्रब्स वो होते हैं जिनकी वुडी स्टेम होती है आँ... वुडी एंड साइज छोटा होता है एंड कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी बहुत ही अच्छी खासी बड़ी स्टेम होती है उनका साइज बड़ा होता है बट व्हेन इट कम्स टू एनिमल उन्होंने कहा कि एनिमल्स तीन कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेयर द लिव वेयर द लिव का क्या मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट राइट तो उन्होंने कहा एनिमल्स ना तीन तरीके के होते हैं वो जो एयर में रहते हैं वो जो लैंड पे रहते हैं और वो जो वाटर में रहते हैं ठीक है तो उन्होंने कहा एनिमल्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एयर फाउंड इन एयर लैंड डवेलर्स इनको हम टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं एंड वॉटर इनको हम एक्वाटिक बोलते हैं बट सोचो जरा इस बात को राइट right? मुझे एक छोटी सी बटरफ्लाई भी एयर मोड पे दिख जाएगी मुझे एक बड़ी सी ईगल भी एयर में उड़ते दिख जाएगी राइट अगर मैं बात करू वाटर की तो मुझे वाटर के अंदर फिश भी मिल जाएंगी मुझे वाटर के अंदर स्नेक भी मिल जाएंगे मुझे वाटर के अंदर बहुत बड़ी सी वेल भी मिल जाएगी जो कि एक मैमल है राइट अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो मुझे कुछ नो क्रैब्स भी दिख जाएंगे जो कि एक तरीके का इंसेक्ट है मुझे उसके अंदर कुछ ऑक्टोबस भी दिख जाएंगे सी हॉर्स दिख जाएंगे ठीक है अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करू बेटा टेरेस्ट्रियल पे मुझे वॉर्म्स मिल जाएंगे

इनका कंपेटिबिलिटी बैठ नहीं रही है क्या करें किस बेसिस पे किया जाए ठीक है तो अब आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे राइट वो थोड़ी वाली बात हो गई नो uh, you know, उन्होंने बहुत टाइम पहले वो करा था तो अगर अब हम बात करें आज जो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं समझते हैं तो उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है हमने किस बेसिस पे ग्रुप्स बनाए हमने किस बेसिस पे ग्रुप बनाए बैक्टीरिया एल्गी फंजा अलग अलग क्यों है मेरा बेसिस क्या है उनको अलग अलग बोलने का राइट अगर मैं बात करूं एक छोटे से प्रोटोजोआ की जैसे कि अमीबा हो गया ठीक है और मैं बात करूं एक फंजा की दोनों ही माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं बट दोनों अलग अलग रूप में क्यों हैं फाइन अगर मैं बात करूं एनिमल्स की और प्लांट्स की दोनों का साइज बहुत बड़ा हो सकता है पर दोनों फिर भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्यों है आप कहोगे मैम प्लांट तो अपना खाना खुद बना सकते हैं एनिमल्स खुद नहीं बना सकते है ना और, और अलग -अलग तो तो अलग -अलग हमने हमने डिवाइड कर दिया तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरे कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको आप एक ग्रुप में रखो तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी मैं देखूंगी ऑर्गेनिज्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है बेटा सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि उसके सेल किस टाइप के हैं व्हाट डू आई मीन बाय टाइप यहाँ पे बात हो रही है बेटा या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा या वो यूकैरियोटिक होगा राइट तो सेल टाइप या सेलुलर टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की दो तरीके की हो सकती है या तो वो प्रोकैरियोटिक होंगे बेटा या वो यूकैरियोटिक होंगे है ना चलो अब हमने देख लिया अब से ह्यूमंस की बात करते हैं ह्यूमंस का सेल्स कैसे होते हैं ह्यूमंस के सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक अच्छा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का क्या मतलब है फंडामेंटल यूनिट ऑफ तो लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका डीएनए बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, वेल नहीं है ठीक है अगर मैं यू सेल्स की बात करू यू सेल्स का मतलब है बना देते हैं है फट so, हाँ पे फटाफट से सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ देखो बेटा प्रोकैरियोटिक का मतलब है मेरे पास एक सेल है ठीक है और जो इसका डीएनए है वो बस वो ऐसे ही ऐसे पड़ा हुआ है है। बट अगर मैं यू सेल की बात करूं ठीक है यू सेल के अंदर बेटा क्या होगा एक प्रॉपर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए क्या होगा प्रॉपरली अरेंज्ड होगा राइट तो ये स्कैटर्ड फॉर्म में है इसमें इट्स लाइक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज बना ली चलो जी लेट से अब मेरे को एक ऐसा सेल मिला वो यू के अब मैं कैसे बताऊं वो किसका सेल है ठीक है तो उसके बाद मैं देखूंगी कि वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है तो ये भी क्या हो सकता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है हो सकता है ना तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ये मेरा क्या हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है अब कुछ ऑर्गेनिजम्स यूमी होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्युलर होते हैं मल्टी सेल्युलर वालों को एक ग्रुप में रख दूंगी बट अब मल्टी सेलुलर बेटा प्लांट्स भी हो सकते हैं मल्टी सेल्युलर एनिमल्स भी हो सकते हैं मल्टी सेल्युलर तो हमारी फंजाई भी हो सकते हैं तो मैं क्या सबको एक ही ग्रुप में रख दूं नहीं मैं प्लांट्स और एनिमल्स को तो एक ही ग्रुप में नहीं रख सकती तो आगे मैं क्या देखूंगी मैं देखूंगी कि उनका यू नो हाउ दे ऑप्टेन देयर फूड वो अपना फूड कैसे ऑप्टेन करते हैं तो उस बेसिस पे भी मेरे पास क्या हो सकती है बेटा दो कैटेगरीज हो सकती हैं या तो वो ऑटो ट्रॉफिक हो सकते हैं ऑटो ट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं राइट या फिर वो हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है राइट ऑटोट्रॉफिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं कौन बनाते हैं प्लांट्स बनाते हैं तो प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करोगे प्लांट्स यूकेरियोटिक है प्लांट्स मल्टी है और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं ह्यूमंस यूकैरियोटिक है मल्टी सेलुलर है पर हेट्रोट्रॉफिक है क्योंकि हम हाँ अपना खाना प्लांट्स पे डिपेंडेंट है हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते है? करते हैं हैं तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया क्राइटेरिया है और भी इसके बाद होते हैं बेटा जैसे कि प्लांट के अंदर सॉरी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल है या नहीं है और अगर सेल वॉल है तो वो किसकी बनी है तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं कुछ हम क्राइटेरिया ले लेते हैं बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं राइट बट ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हमने कुछ किंगडम्स का नाम रखा है राइट अब किंगडम क्या होता है राइट अब किंगडम बेटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जैसे कि प्लांट किंगडम जितने भी प्लांट्स हैं चाहे वो हब हो शरब हो छोटी सी ग्रास हो बड़ा सा आ, ट्री हो ओके आई वुड लव टू हैव आंसर ऑफ दिस हमारे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्री का नाम कौन सा है और सबसे बड़ा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है राइट एक फ्लावर होता है बहुत बड़ा होता है उस प्लांट का लाइक उस, उस फ्लावर का नाम मैं जानना चाहूंगी आपसे एंड द ट्री ठीक है इंडिया में दोनों में से कोई नहीं मिलता है सो प्लीज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोस टू नेम्स जो मैंने आपसे बोला है ठीक है बेटा अब देखो जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स को चाहे वो बड़ा हो छोटा हो मीडियम साइज का हो उस उसपे फ्लावर आते हो ना आते हो फ्रूट्स आते हो ना आते हो बट तो मैंने क्या करा मैंने ग्रुप बना दिया ये प्लांट का ग्रुप है जा बेटा सारे प्लांट वहां पे तुम वहां जाओ ठीक है वैसे ही जितने भी एनिमल है चाहे वो लिजर्ड हो स्नेक हो फिश हो ह्यूमन हो बैट हो वेल हो जिराफ हो रैट हो एलिफेंट हो सबका एक ग्रुप बना दिया है एनिमल का वैसे जितनी भी बैक्टीरिया हैं अब कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है बैक्टीरिया एक तरीके का तो नहीं होता कितनी सारी डिजीज होती है ना बैक्टीरिया से टीबी होती है कॉलेरा और अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग डिजीज करते हैं ठीक है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है राइजोमी राइजोमियम भी बैक्टीरिया है ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने बैक्टीरिया का एक अलग ग्रुप बना दिया वैसे ही अब मेरे पास फंजाई बच गई अब मैंने फंजाई का एक अलग ग्रुप बना दिया अगेरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं हम ईस्ट हो गई वो भी एक फंजाई है पेनीसीलियम जिससे वो एंटीबायोटिक बनी थी वो भी क्या है वो भी एक फंजाई है तो मैंने फंजाई का एक अलग ग्रुप बना दिया तो मैंने कुछ मेन ग्रुप्स बना दिए हैं जिनमें मैंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्या करा है बेटा क्लासीफाई है बट ये मैंने अब बनाए हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी शुरुआत हुई थी बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन से सबसे पहले हमने बनाया टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा दिया था कैरलेस लीनियस ने यस द द सेम पर्सन फादर ऑफ टेक्सोनोमी सी 1758 में उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एंड उन्होंने कहा कि अर्थ पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स थोड़े दिन तक लोगों ने अग्री किया बट धीरे धीरे लोगों को पता चला जैसे माइक्रोस्कोप्स आए धीरे धीरे लोगों को पता चला नहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो हमें नहीं दिखते एंड वो लिविंग हैं राइट तो लोगों ने उसके बाद उसको धीरे धीरे करना स्टार्ट किया फिर मेजरली इसके बीच में बेटा हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है फोर किंगडम भी आया है बट मेजरली जो हिस्ट्री में हो एक बेंच जिन्होंने एक रखा उसके बाद हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की इसको बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है राइट एंड इवन आज भी हम अगर अपनी बुक्स खोल के देखेंगे तो आज तक सब इसी को फॉलो कर रहे हैं राइट एंड ये दिया किसने था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है इवन एनटीएस एग्जाम्स में कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी बेटा रॉबर्ट विटकर ने राइट एंड ये कब दी उन्होंने वेरी रिसेंटली राइट ज्यादा दिन नहीं हुए 1959 में एंड उन्होंने कहा कि पांच मेजर किंगडम्स हो सकते हैं उन्होंने कहा पांच मेजर किंगडम हो सकते हैं मोनेरा जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया जिस एक ग्रुप हो सकता है प्रोटिस्टा जिसमें उन्होंने हमारे प्रोटोज हुआ अमीबा प्लाज्मोडियम पैरामीशियम ठीक है इन सब ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया फिर उन्होंने कहा कि एक और ग्रुप हो सकता है फंजाई ईस्ट पेनिसिलियम एंड मशरूम ऐसे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको उन्होंने फंजन में प्लेस कर दिया उन्होंने कहा उसके अलावा प्लांटे हो सकता है ठीक है प्लांट्स जो होते हैं उन्होंने कहा और एक और ग्रुप हो सकता है एनिमेरिया ठीक है अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसके अंदर ना तो एलगी दिख रहा है और ना ही वायरस दिख रहा है तो बेटा देखो एलगी होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हमने क्लास सेवन्थ में पढ़ा है एलगी क्या होते हैं वो फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर के सरफेस पे हमें दिखते हैं राइट तो यस बेटा जो एलकी होते हैं वो फोटो कर सकते हैं और फोटो करके अपना फूड बना सकते हैं एंड जो भी ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है हम उसको कौन से ग्रुप में प्लेस कर देते हैं प्लांटे तो उन्होंने एलगी को किसने प्लेस किया उन्होंने उन्होंने एलकी को प्लेस किया प्लांटे में बट 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 बा वायरस के लिए उन्हें कोई भी कैटेगरी नहीं मिली क्यों देखो बेटा जनरली एक क्वेश्चन होता है कि वायरस को किसी भी किंगडम में प्लेस क्यों नहीं किया गया या उसके लिए अलग किंगडम क्यों नहीं बनाया सी जो वायरस होते हैं बेटा वो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ए सेलुलर मतलब उनका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता प्रॉपर ना उनके अंदर सेल वॉल होती है ना उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है कोई कोई ऑर्गेनली भी नहीं होता उनकी बॉडी में राइट एंड अगर मैं इस टाइम बात करूं अगर इस एनवायरमेंट में वायरस है तो वो इस टाइम नॉन लिविंग है वो जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर जाएगा वो लिविंग हो जाएगा राइट तो एक तरीके से वो क्या है पार्शली लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं राइट वो प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं तो उन्होंने उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर ही नहीं किया अगर क्योंकि उन्होंने उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं किया तो उन्होंने उसको वहाँ जगह ही नहीं दी राइट सो so, बेचारे को बेदखल कर दिया उसको कोई जगह ही नहीं दी गई फाइन चलो तो रॉबर्ट विटिकर ने कब दी थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन 1959 वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है एंड ये पांच ग्रुप्स के नाम हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए वेरी 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 ठीक है very, very, very इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे बेटा उसके बाद वेरी वेरी लेटेस्ट सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन एंड ये दी बेटा कार्लूज ने इन नाइनटीन वेरी वेरी रिसेंटली राइट अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है देखो बेटा कुछ नहीं है वही पांच किंगडम क्लासिफिकेशन के हैं देखो सेम बट इन्होंने क्या कहा इन्होंने मोनेरा को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया राइट अब ये दो ग्रुप्स कौन से हैं उन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप है मोनेरा उसमें भी हमको वेराइटी मिलती है उन्होंने कहा बैक्टीरिया भी हमें दो तरीके के मिल सकते हैं आर की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया देखो बेटा आर की बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं वी कॉल इट

और ये यू बैक्टीरिया जो होते हैं ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं बेसिक डिफरेंस सेल वॉल यू बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी अलग तरीके की होती है आर के बैक्टीरिया की थोड़ी अलग तरीके की होती है एंड उनके अंदर जाने पाए जाने वाले केमिकल्स थोड़े अलग होते हैं तो उनका थोड़ा बहुत क्या है स्ट्रक्चर डिफरेंस है इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इनको भी क्या कर सकते हैं दो अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं उन्होंने दो नए ग्रुप्स बना दिए मोनेरा को तोड़ के तो इसलिए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया बाकी सेम प्रोटीस्टा प्लांटी आने वही है ठीक है तो मोनेरा को दो क्लासिफाई किया बेटा इतना समझ आया ये याद रहना चाहिए टू किंगडम कार्लिस ने दिया कौन से दो थे देन फाइव किंगडम रॉबर्ट पिटिकर ने दिया ये फाइव किंगडम थे सिक्स किंगडम कार्ली वु ने दिया नाइन सेवन राइट right. अब समझते हैं कि रॉबर्ट विटिकर ने किस बेसिस पे रॉबर्ट विटिकर ने किस बेसिस पे ये इन्होंने क्लासिफिकेशन किया रॉबर्ट विटिकर ने बेटा ये क्लासिफिकेशन किया सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले उन्होंने क्या किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा राइट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है उन्होंने कहा ऑर्गेनिज्म को हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक किस बेसिस पे देखो बेटा या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक ठीक है अगर प्रोकैरियोटिक है तो उसको हमने कौन से वाले ग्रुप में प्लेस कर दिया बेटा उसको हम हमने प्लेस कर दिया इन द किंगडम मोनेरा तो जितने भी सेल्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है अगर उनकी बॉडी में प्रोकेरियोटिक टाइप का सेल मिल रहा है तो मैं उसको कौन से ग्रुप में प्लेस करूंगी मोनेरा वो किसी भी में नहीं जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा मोनेरा में तो लेट्स से कि मैंने आपको एक सेल दिया मैंने कहा बेटा इसको माइक्रोस्कोप के अंडर क्लास आ, अंडर ऑब्जर्व करो ठीक है आपने देखा कि इसका डीएनए तो सब ऐसे ही पड़ा है ना इसके अंदर कोई ऑर्गेनली है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता ना गोल्जी होता सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं ठीक है बाकी सब ऑर्गे लिली जो हमने पढ़े वो सब एबसेंट होते हैं ठीक है थीके? आपने देखा कि ये तो प्रोकेरियोटिक सेल है अब मैं पूछूं बेटा बताओ ये कौन से ग्रुप में रखोगे इसको तो आप कहोगे मैम हम इसको रखेंगे मोनेरा में क्योंकि मोनेरा में वही ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनके अंदर प्रोकेरियोटिक सेल है बाकी किसी भी किंगडम में उस ऑर्गेनिज्म को मैं प्लेस नहीं कर सकती समझ आया ठीक है बट आपने देखा कि मैम ये तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल यू है अब तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि भाई ये तो प्लांट भी हो सकता है प्लांट का सेल भी हो सकता है एनिमल का भी हो सकता है फंजाई का भी हो सकता है और प्रोटोजोआ का भी हो सकता है अब मैं क्या करूंगी फिर मैं देखूंगी ये कैसा ऑर्गेनिज्म है क्या ऑर्गेनिज्मिज्मी सेलुलर है या फिर ये मल्टी सेलुलर है फिर मैंने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म तो यूनी सेलुलर है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेल यूकैरियोटिक है पर वो सिर्फ यूनि सेलुलर होते हैं उन सब ऑर्गेनिज्म को मैं क्या करती हूँ प्रोटेस्टा में प्लेस कर देती हूँ जैसे कि मेरे पास अमीबा अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ठीक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को अगर मैं अमीबा देखूंगी उसके अंदर मुझे न्यूक्लियस दिखेगा वैक्यूल दिखेगा मुझे उसकी प्रॉपर सेल मेंब्रेन दिखेगी सब कुछ मुझे दिखेगा प्रॉपर जैसा यूकेरिओटिक सेल होता है प्रॉपर वैसा होता है बट वो कैसा है यूनिसेलुलर तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यू केरियोटिक सेल है और यू के साथ कैसे हैं वो यूनिसेलुलर उन सबको मैं प्रोटेस्टा में प्लेस कर देती हूँ इसमें आ जाएगा अमीबा पैरामीशियम यूग्ली वही प्लाज्मोडियम जो क्या करता है मलेरिया कॉस करता है राइट वही ट्रेपेनोसोमा जो बीमारियां कॉस कर रहा था वो सब बेटा इसी में आ जाएगा ठीक है चलो तो सेकेंड हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना ये भी हमने पढ़ा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अब देखो बेटा बट लेट सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का था ठीक है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का था मल्टी सेल्युलर तो अब प्लांट्स भी हो सकते हैं एनिमल्स भी हो सकते हैं मेरे को कैसे पता चलेगा प्लांट सेल है या एनिमल सेल है ठीक है तो मैं क्या करूँगी फिर मैं देखूँगी इसके अंदर सेल वॉल है या नहीं है राइट right, मैं देखूंगी इसके अंदर सेल वॉल है या नहीं है विद सेल वॉल विदाउट सेल वॉल अब तुमने कहा कि मैम सेल वॉल तो दिख रही है माइक्रोस्कोप के अंदर अब बताओ क्या होगा ये फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी अच्छा जी सेल वॉल तो फंजाई में भी होती है काइटिन की सेल वॉल सेलुलस की प्लांट में भी होती है दोनों में सेल वॉल होती है याद आया सेल वॉल प्लांट्स में होती है वैसे ही कुछ सिमिलैरिटी के साथ सेल वॉल बेटा फंजाई में भी मिलती है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेल फन जाएगा या प्लांट का है फिर मैं देखूंगी कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है या नहीं है अगर उसके अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ठीक है अगर तो क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोट्रॉपिक होगा फोटोट्रॉपिक मतलब वो फोटोसिंथसिस करेगा यानी कि अपना खाना खुद बनाएगा तो वो तो क्या था। है बेटा प्लांट सेल है अगर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना वो फोटोसिंथेसिस करेगा ना ही अपना खाना खुद बनाएगा और अगर अपना खाना खुद नहीं बनाएगा मैं उसको बेटा प्लेस कर दूंगी फनजाई में अब आप कहोगे कि मैम एनिमल सेल में भी तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता हमारे सेल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो तो हम वो ह्यूमन भी तो हो सकता है बट बेटा ह्यूमन सेल के अंदर एनिमल सेल सेल के अंदर वॉल एबसेंट होती है ठीक है हमारे सेल की अगर मैं कोई भी सेल निकाल निकालू हमारी बॉडी का या किसी भी एनिमल का किसी की बॉडी के अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी बट फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है ठीक है

तो मेरे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसके अलावा सेल 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 वॉल 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 ठीक है cell wall की presence है या, absence है की प्रेजेंस या के बाद बेटा उनका न्यूट्रीशन मैं लिख दूंगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है बेटा तो ये हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया इसी बेसिस पे हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट पिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लेस किया हर कैरेक्टर को बेटा हम आगे डिटेल में समझेंगे अब देखो बेटा पांच किंगडम है बट जस्ट मेरे पास किंगडम है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम सॉल्व हो गया मुझे उसको और फाइन और फाइन और फाइन आगे छोटे 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 ग्रुप बनाने पड़ेंगे ठीक है तो हमारे को क्लासिफिकेशन ईजियर हो जाए क्लासिफिकेशन पढ़ना समझना ईजियर हो जाए इसलिए हमारे पास क्या होते हैं बेटा अलग अलग ग्रुप्स होते हैं हमारे पास अलग अलग ग्रुप होते, है। होते हैं सबसे पहला ग्रुप होता है किंगडम ठीक है किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें हम क्या करते हैं है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर देते हैं यानी कि ह्यूमन भी एनिमल है ठीक बटर है बटरफ्लाई भी एनिमल है एलिफेंट भी एनिमल है जिराफ भी एनिमल है लिजर्ड भी एनिमल है फिश भी एनिमल है ठीक है तो मैंने सबको क्या कर दिया प्लेस कर दिया किंगडम में कौन से किंगडम में एनिमीलिया ठीक है कौन से किंगडम में प्लेस किया एनिमीलिया ठीक है अब मैं कहूँ कि नहीं मेरे को तो ह्यूमन्स को स्टडी करना है तो मैं कौन सा ग्रुप देखूँ? फिर मैं कहूंगी कि मैं एनिमल्स को मैं एक ऐसे ऐसे ग्रुप में डालूंगी जिसको मैं बोलूँगी कॉर्डेट्स, यानी कि अगर मेरे पास एक अर्थवॉर्म है मेरे पास एक कॉकरोच है मेरे पास एक एलिफेंट है और मेरे पास ह्यूमन बींग है ठीक है तो बेटा मैं एलिफेंट को ह्यूमन बींग को ऐसे ग्रुप में रखूंगी

ऐसी ब्रांच जिसमें मैंने थोड़ा और क्या कर दिया कर दी है सो so, हम इनको कॉर्डेट में रखेंगे अब मैं कहूंगी भाई कॉर्डेट तो बहुत हो सकते हैं फिश की भी बैकबोन होती है ह्यूमन की भी बैकबोन होती है बैट की भी बैकबोन होती है इवन की भी बैकबोन होती है क्या मैं इन सबको एक ही ग्रुप में रख दू नहीं वेल तो पानी में रहती है ह्यूमन पानी में नहीं रहते फिश भी पानी में रहती है ठीक है तो सबको एक ग्रुप में तो नहीं रख सकती मैं कुछ तो डिसिमिलैरिटी होगी तो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं और हेयर के अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होते हैं मेमोरी ग्लैंड मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम जो अपने यंगर वंस को नरिश करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को मैं बोलती मैं ह्यूमन को बेटा कौन से ग्रुप में रखूंगी मैमल्स में मंकीज को कौन से ग्रुप में रखूंगी मैमल्स में वेल को कौन से ग्रुप में रखूंगी मैमल्स में ठीक है चिमपैनजी गोरिल मैमल्स सब मैमल्स आ जाएंगे बट मैं बैट बैट भी मैमिल है सबको मैमल्स में रख दू नहीं कुछ तो डिफरेंस है देखो बैट्स तो उड़ते हैं हम तो नहीं उड़ते हैं और जो वेल होती है वो तो वाटर में स्विम करती है हम तो नहीं करते तो कुछ तो डिसिमिलैरिटी होगी ना तो उनको थोड़ा और एक और ग्रुप बनाएंगे तो किंगडम फाइलम क्लास क्लास अब class के अंदर और भी अलग अलग तरीके के ऑर्डर होते हैं ठीक है अब ऐसे मैमल्स सॉरी या ऐसे मैमल्स जिनके अंदर कॉलर बोन्स मिलती हैं ठीक है उनको हमने किस ऑर्डर में प्लेस कर दिया प्राइमेट्स में ठीक है अब बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बोन नहीं होती है Vail के के अंदर अंदर होगी होगी जिन हमने उनको कर दिया primates में ठीक है अब प्राइमेट्स में भी अलग-अलग होती हैं ठीक है ऐसे मैमल्स या ऐसे प्राइमेट्स जिनका फेस थोड़ा यू नो थ्री डायमेंशनल सा होता है तो उनको हम रख देते हैं बेटा होमिनेट्स में ठीक है उसके अलावा अब फैमिली देखो फैमिली से समझो तुमने शायद से सुना होगा

देखो बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं स्पीशीज से से हमने यू यू नो नो मूवीज़ में कभी सुना होगा कि you know, गांव देश बनता है ठीक है तो वैसे ही समझो बेटा देखो जब बहुत सारी स्पीशीज आती हैं तो जीनस बनता है ठीक है अपना एग्जाम्पल से समझाती हूँ देखो बेटा जब एक गांव है दो गांव है तीन गांव है चार गांव है ठीक है जब बहुत सारे गांव एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा डिस्ट्रिक्ट अब जब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे एक साथ तो क्या बनेगा स्टेट जब बहुत सारे स्टेट एक साथ आएंगे तो क्या बनेगा कंट्री और जब बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आएंगी तो बनेगी कॉन्टिनेंट है ना तो वैसे ही बेटा जब बहुत सारी स्पीशीज होती है तो बनता है जीनस जब तो बहुत सारे जीनस आ जाते हैं एक साथ तो बनती है फैमिली बहुत सारी फैमिलीज एक साथ आ जाती हैं तो बनता है ऑर्डर बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ आते हैं तो बनता है क्लास बहुत सारी क्लासेस मिलकर बनाती हैं फाइलम एंड बहुत सारे फाइलम मिलकर बनाते हैं किंगडम

बट क्या एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं कैन दे इंटरब्रीड विद ईच अदर ठीक है क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक एक दू कैट का और लायन का अगर मैं इन दोनों की मेटिंग करा दू तो क्या प्रोड्यूस होगा अगर मैं इन दोनों को एक साथ रिप्रोड्यूस कराऊं तो कुछ क्या पहली बात तो ये रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते नेचुरली दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ठीक है यानी कि ये दो अलग अलग स्पीशीज है स्पीशीज मीनस दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच कैन इंटरब्रीड विद अदर ठीक है अगर दो कैट एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर पा रही है वो एक फैमिली की है ठीक है तो स्पीशीज का मतलब क्या है वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो एक ही स्पीशीज के हैं अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अलग स्पीशीज के हैं जैसे कि ह्यूमंस सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही रिप्रोड्यूस करके बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं ना तो ह्यूमन एक अलग स्पीशीज है कैट और डॉग अलग अलग स्पीशीज है वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करके बेबीज नहीं बना सकते ठीक है बेटा वैसे ही स्पीशीज का क्या मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर विच कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर ठीक है बेटा तो स्पीशीज का कॉन्सेप्ट समझ आया ठीक है चलो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं हमने काफी सारे टर्म्स समझे हैं बेटा आज हमने जो भी पढ़ा है एनसीआर टी में उस चीजों को एक बार देखेंगे समझेंगे कि क्या है एंड नेक्स्ट क्लास में बेटा स्टार्ट करेंगे विद द किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टेंट एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट